हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। ट्रिग्नोमेट्री का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे और ये क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा बुक से लिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर दे रखा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा किसके बराबर है, वन के बराबर है, देन प्रूव दैट। कुछ नोटिस किया आपने इसके अंदर? इसके अंदर जो गिवन है वो सारी वैल्यू साइन में हैं और जो अपने को लेकर आना है वो सभी किस में लेकर आना है, कॉस में लेकर आना है। तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इज दैट क्लियर? तो पहली आइडेंटिटी का हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आंसर कैसे लेकर आएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए स्पेशली इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, फोल्डर में जाइए प्लेलिस्ट के, वहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाइए वन बाई वन, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दिया हुआ साइन में लाना कॉस में, मालूम ये है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, होता है नहीं होता है। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो कुछ तो हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। चलो कुछ तो चेंज हुआ कॉस स्क्वायर थीटा में। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से कॉस में चेंज करना है। तो अगर ये स्क्वायर होता तो ये फिर से किस में चेंज हो जाता, कॉस में चेंज हो जाता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये पहले से स्क्वायर है। तो कॉस की पावर कितना हो जाएगा, फोर थीटा, कॉस की पावर फोर थीटा। क्लियर? इसकी वैल्यू रखो साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेड़े टेड़े, इसकी वैल्यू होती है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपने को क्या करना है, कोई वैल्यू साइन में रखना ही नहीं, अपने को सारी वैल्यू कॉस में चेंज करना है। इसको भी चेंज कर लो, वन प्लस साइन स्क्वायर नहीं होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए वन को वन लिखेंगे, हो गया, और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये कॉस की पावर फोर थीटा। अब देखिए कितना हो गया, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस वन हो गया टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर फोर थीटा। क्लियर? अब सारी वैल्यू कॉस में चेंज हो गई। अब सीधा अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर ओपन करो, टू का फोर और प्लस कॉस की पावर फोर थीटा माइनस इन दोनों का डबल, तो टू टू जा फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू फोर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर यही आएगा, क्या आएगा, फोर प्लस कॉस की पावर फोर थीटा माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यही तो आएगा। अब कॉस स्क्वायर से करेंगे तो माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस की पावर सिक्स थीटा और माइनस माइनस प्लस फोर कॉस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर फोर थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसके हिसाब से अरेंज करिए। तो देखिए यहाँ पर ये कौन है, सिक्स थीटा है ना, तो ये हो गया माइनस का कॉस की पावर सिक्स थीटा, हाईएस्ट पावर। फिर उसके बाद फोर वाले देखिए, तो फोर वाले कौन कौन है, एक तो ये कैंसिल कर दो इसको, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस का क्या बचेगा, फोर
कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाले देखो, तो स्क्वायर वाले 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बचा कौन, प्लस का 4 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 हो गया, क्लियर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस की पावर 2 थीटा और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। सो देयरफॉर क्या आंसर आ गया, कॉस की पावर 6 थीटा 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। टिणे टिणे आ गया ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।